अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, बेशक हमने इस उम्मत को, इसी तरह हमने इस उम्मत को दरमियाना उम्मत बनाई, मियाना रवि वाली उम्मत, इतदाल वाली उम्मत बनाया, ताकि ये नहीं कि ये बिल्कुल ही अल्लाह रसूल के साथ जुड़ जाए और दुनिया तरक कर दे, इसका नाम भी है वो दीन नहीं है और इसका नाम भी दीन नहीं है कि इंसान बिल्कुल दुनिया से लगकर अल्लाह रसूल को भूल जाए, बल्कि दोनों के दरमियान इतदाल पैदा करने का नाम दीन है। अल्लाह ने इस उम्मत को दीन इतदाल करार दिया है, ऐसा दीन कि जिसके अहकामात वो इतदाल वाले हैं। तो आज मैं आपके सामने चंद मिसालें हमारे दुनियावी मामलात में, दीनी मामलात में, लेन देन के मामलात में हमें किन किन चीज़ों में इतदाल पैदा करने की ज़रूरत है। यानी बच्चे बातें नहीं करते बेटा। अल्लाह की प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी मुबारक से एक लकीर खींची। इब्ने माजा में हदीस है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पे एक लकीर खींची और फरमाया, ऐ मेरे साहबा, हाजा सबीलुल्लाह, साहबा ये जो सीधी मैंने लकीर खींची है, बिल्कुल सीधी, ये लकीर की मिसाल फरमाया, समझ लो ये अल्लाह का दीन है। इसमें ना इसमें ना आप बढ़ा सकते हैं कुछ, ना कम कर सकते हैं। फरमाया ये अल्लाह का दीन है। और फिर अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वहाजा सुबलुन अला कुल्ली सुबलि मिन्हा शैतान यदु इलैह, फरमाया अगर इस लकीर से ऊपर जाओगे शैतान तुम्हें वहाँ भी बुलाएगा, लेकिन तुमने वहाँ नहीं जाना। फरमाया इस लकीर के नीचे शैतान तुम्हें वहाँ भी बुलाएगा, वहाँ भी नहीं जाना। और फिर कुरान की आयत पढ़ी, फरमाया वन हाजा सिराति मुस्तकीमन फत्तबिहु वला तत्तबिहु सुबुला फतफर्रका बिकुम। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक वो लोग कि जो सीधे रस्ते पर चल रहे हैं, अगर वो किसी और रस्ते पर चलेंगे तो फिर उनका रास्ता सिरात मुस्तकीम, दीन हकीकी, सच्चा जो दीन है, वो उससे छूट जाएगा। फतफर्रक बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें इस चीज़ की ताकीद करता हूँ, जो सिरात मुस्तकीम है, जो मेरा नबी तुम्हें दीन बता गया, उस पर अपने आप को चलाते रहना। अगर तुमने उस पर अपने आप को ना चलाया तो तुम शैतान के हाथ पर चढ़ जाओगे, और जब शैतान है वो तुम्हारा ईमान छीन लेगा। एक वो शख्स है ना, पूरी पूरी रात जागता हो, या एक दिन कभी किसी को जोश चढ़ता है, बड़ी नमाजें पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ रहा है। अक्सर ये इस किस्म का हमारे अंदर जो जज्बा है रमज़ान मुबारक में देखने को मिलता है, या उसके अलावा भी कभी अल्लाह ने किसी को हिदायत दे दी तो बस बहुत ज़्यादा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, इबादत में, सजदों में कुरान पढ़ रहा है, लेकिन अचानक उसको छोड़ देता है, उस को कायम नहीं रख पाता। तो हुजूर की हदीस मुबारका का क्या मफहूम है? हुजूर ने फरमाया एक शख्स रात को पूरी जागता रहे, दिन को रोज़े रखता रहे, डेली रूटीन ये हो, और वो बिलाखर तंग हो के और तंग दिल हो के उसको छोड़ देता है। वो फरमाया एक वो शख्स है जो मुख्तसर पढ़ता है, जिक्र फिक्र मुख्तसर करता है, लेकिन करता है लगातार। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ताला को ऐसा अमल पसंद है जो हो थोड़ा लेकिन लगातार होता रहे। तो अपनी ज़िंदगी को इस चीज़ पर लेकर आने की कोशिश करें। आप बहुत ज़्यादा जनाब ये जो कभी रात जागने वाली होती है तो बड़ी आवाम जनाब भरे हुए मस्जिद, लेकिन पांचों टाइम में वो लोग नज़र नहीं आते। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में हुज़ूर के अल्फाज हैं, हुज़ूर ने फरमाया वमा तकर्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मफ्तरत्तु अलैह। हुज़ूर ने फरमाया मेरे नज़दीक कोई शख्स तब तक नहीं हो सकता जब तक फ़राइज़ की पाबंदी ना कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो शख्स मेरे करीब आ ही नहीं सकता जब तक फ़र्ज जो अल्लाह ने उस पर किया है, फ़र्ज उस पर जब तक पाबंद ना हो जाए नवाफिल के ज़रिए से, वो कभी भी अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। इतदाल तो इस चीज़ का नाम है, पहले दीन की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर अमल किया जाए।
जो दीन आप पर दीन आपसे चाहता है, दीन आपसे चाहता है कि ये बंदा फ़र्ज़ नमाज के पाबंद हो, ये बंदा नज़र को पाक रखने वाला हो, ये बंदा कम बोलने वाला हो, और अगर बोले तो बामकसद बात बोले। हम ऐसा नहीं करते, हम बस जो जी में आए मुंह से बोलते रहते हैं, जिसके लिए बात दिल में आए हम उसकी गिबत करते रहते हैं। फ़र्ज़ तो ये चीज़ें थी, तो इन चीज़ों पर अमल करने का नाम इतदाल है। अच्छा, बाज़ लोगों की शायद एक ये भी होती है कि कोई बंदा दीन पे चल रहा हो ना, तो लोग कहते हैं मौलवी साहब दीन तो हमें बड़ा म्याना रवि सिखाता है, बड़ा इतदाल सिखाता है, और एक वो बंदा जो कभी मस्जिद में नहीं आया उसको म्याना रवि नहीं कोई बताता। हालांकि म्याना रवि जो कुरान ने बयान किया है वो इस चीज़ का नाम नहीं कि कोई दीन पर अमल कर रहा है तो वो दीन पर अमल करना कम कर दे, ऐसा नहीं है। दीन पर अमल वैसे ही करते रहने हैं, लेकिन साथ साथ जो अल्लाह ने तुम पर हकूकुल इबाद लगाया उसका भी ख्याल करना, ये दीन है। ये नहीं है कि वो बंदा अब मस्जिद जाता है या ज़्यादा दीन में अपना वक़्त लगाता है, तुम कहो जनाब इस ऐसे तो दीन ने नहीं कहा, दीन तो इत्तदाल सिखाता है। या कोई बैठ के कोई नौजवान को अल्लाह ने तौफीक दी वो बैठ के मस्जिद में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो माँ बाप उसको कहेंगे ओ पुत्र नहीं दीन तो बड़ा इत्तदाल सिखाता है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, ये जो कर रहा है ये भी इत्तदाल पसंदी ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको बनाया अपनी इबादत के लिए, दीन पर अमल करने के लिए। लेकिन दीन पर अमल करते करते अगर वो किसी का हक खाएगा, किसी का हक मारेगा, किसी का जो हक है वो गसब करेगा, तो फिर उसको सज़ा भी डबल है, जो जानने के बावजूद भी दीन पर अमल ना करे उसके लिए सज़ा भी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि दीन पर चल रहा है, आप कहे जनाब दीन छोड़, दीन पर अमल करना थोड़ा कम कर, अल्लाह अल्लाह की बातें कम किया कर, ज़रा दुनिया की बात किया करो हमारे साथ। तो दीन इत्तदाल का नाम है, लेकिन इत्तदाल वो है जो अल्लाह रसूल ने हद मुकर्रर कर दी है। अल्लाह रसूल ने हद क्या मुकर्रर की है? दुनियावी मामलात में आप देखें इत्तदाल इस चीज़ का नाम है कि अगर आपको कोई चीज़ मयसर है और किसी मुसलमान को मयसर नहीं है, आप मुसलमानों के दिल में वो बात आने से अपने आप को रोक लो कि जनाब मेरी वजह से इसका दिल ना दुख जाए। मिसाल के तौर पर आप जनाब महंगा खाना खाते हैं और कोई एक गरीब मस्कीन आदमी बेचारा वो दिहाड़ी लगा के दाल रोटी खा रहा है, आप उसको दिखाने के लिए कि जनाब मैं बहुत ब्रांडेड खाने खाता हूँ, पिज़्ज़ा हट से बर्गर और पिज़्ज़े मंगाता हूँ, मैकडोनल्ड से जनाब चिप्स मंगाता हूँ, उसके सामने खा रहे हो तो उसका दिल नहीं दुखेगा? इसमें बैलेंस करना इत्तदाल है। आइए हज़रत उमर की मिसाल भी देखिए। हज़रत उमर की दौरे खिलाफत में जब मदीना मुनव्वरा में कहत आया, देखो रसूलुल्लाह के मदीने में भी कहत आया, और ज़माना किसका है? हज़रत उमर का। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला इम्तिहान के तौर पर अपने बंदों की अल्लाह ताला आजमाइश करता है देखने के लिए। अब सहाबा जैसे लोग यार कायनात में ना किसी माँ ने ऐसे बच्चे पैदा किए जो अल्लाह के नबी के सहाबा जैसे हों। नबी तो नबी है ना, उनके गुलामों जैसा कोई नहीं बन सकता। अब ज़माना सहाबा इकराम के और खलीफा राशिद सईदना उमर का ज़माना है, और मदीने में कहत आया। इतनी तंगी थी, इतनी परेशानी थी कि सईदना उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला नो, आप जैतून के तेल में बना हुआ खाना नहीं खाते थे क्योंकि आपको मुआफिक नहीं था। आप घी से बना हुआ खाना वो खाया करते थे। उस ज़माने में चूँकि डालडा तो होता नहीं था, देसी घी लोग इस्तेमाल करते थे, तो कहत आने की वजह से मदीना मुनव्वरा के इतराफ के इलाक़ों में गायें भैंसें बहुत ज़्यादा मर गई, बकरियाँ मर गई। अब जारी बात है घी भी ना मिले, मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में घी बहुत महंगा हो गया। बिल आखिर सईदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला नो को बताया गया कि घी तो नहीं मिल रहा, तो हज़रत उमर को यार ये बच्चियाँ को चुप कराओ यार क्या मसला है। तो बिल आखिर हुआ ये कि सईदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला नो को बताया गया कि घी नहीं मिल रहा, और है तो बहुत महंगा है।
आपने फरमाया कि मदीने के लोग आजकल खाना किस चीज़ से बना रहे? तो कहा जी वो तो जैतून के तेल से बना रहे, जैतून का तेल सस्ता है और ये घी महंगा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि मुझे हकीमों ने तो मना किया कि मेरी तबीयत के मुवाफिक नहीं है, तो मैं घी के साथ खाना खाऊं, लेकिन चूँकि नहीं है तो आज उमर भी जैसी आवाम जिस चीज़ से खाना खा रही है बना के, उमर भी उसी चीज़ का इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर तो जनाब इनके कुत्तों के खाने भी बाहर से आते हैं, इन्होंने जो गल में बिल्लियाँ पाली हैं उनके खाने भी बाहर से इंपोर्ट होते हैं इस ज़माने के लुटेरों के। और ये ज़माने उमर है, सईदा उमर का जैसा बंदा, और आपने फरमाया कि अगर मेरी सेहत ख़राब होती है तो हो जाए, कयामत वाले दिन जब मैदान महशर में आवाज़ लगेगी कि अपनी अपने लिए जो चीज़ पसंद लोग करते थे, जो दूसरों के लिए करते थे, वही अपने लिए करने वाले लोग खड़े हों, तो उमर भी ऐसे खुशनसीब लोगों में खड़ा होगा कि जिसने जो रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए पसंद किया वही अपने लिए किया। ये है इतदाल, इतदाल इस चीज़ का नाम है। लोग समझते हैं शायद दीन को कम कर देने का नाम इतदाल है, दीन पर अमल थोड़ा कर देना, नमाजें कम कर देने का नाम इतदाल है, कुरान कम कर देने का नाम इतदाल है। और भाई इसका नाम इतदाल नहीं, लोग मौलवियों के इतदाल से गाते हैं, मौलवी साहब इतदाल दीन तो इतदाल, आप तो बड़ी सख्त बात। मैंने कहा भाई ये सख्त बात अगर मेरी हो ना, मेरी बात हो तो सख्त होगी। जिस नबी ने और जिस रब ने कुरान उतारा है और जिस नबी ने शरीयत बताई है, क्या उनको नहीं पता था ये बात सख्त है? जब उन्होंने इसको करार दिया कि यही दीन इतदाल है, हुजूर ने जो लकीर खींची फरमाया ये जो दीन है ये इतदाल का रास्ता है, ना इसको बढ़ाओ ना इसको कम करो, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, कामयाब हो जाओ, कामयाबी की गारंटी दी है उन लोगों के लिए कि जो दीन पर चलते हैं। ये है इतदाल, इतदाल का रास्ता। तो अल्लाह तबारक तआला को इतदाल वाले बंदे पसंद है। लेकिन हाँ एक बात ये भी है, हुजूर ने इशारत फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया दुनिया और आखरत की मिसाल मेरे आका ने फरमाया दो सौकनों की तरह है। कभी सौकन एक दूसरी सौकन से राजी हुई है? नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि दो सौकन एक मुतजाद है दोनों चीज़ें। एक शोर की दो बीवियाँ हों तो दोनों एक दूसरे के मुंह में क्या नवाले डालेंगी? वो तो जहर दे देंगी। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया दुनिया और आखरत की मिसाल, दीन और दुनिया की मिसाल, फरमाया दो सौकनों की तरह, अगर तुम एक को राज़ी करोगे दूसरा नाराज़, दूसरे को राज़ी करोगे तो पहला नाराज़ है। तो फरमाया बेहतरीन कामयाब वही बंदा है कि जिसने अपने दीन को राज़ी किया। दीन को राज़ी करो, दुनिया को राज़ी करने का क्या मतलब है? क्या आप दुनिया को राज़ी करने के लिए अपना दीन छोड़ दें, दीन के अहकाम छोड़ दें, हलाल और हराम का फ़र्क छोड़ दें? आप जनाब लोगों को राज़ी करने के लिए जनाब दीन की वो अहादीस रसूलुल्लाह की और वो कुरान की आयतें हम छोड़ दें भाई, कि जनाब लोग नाराज़ हो जाएंगे? दीन वही मानना होगा जो अल्लाह के नबी देकर चले गए, हमने उस दीन का कलमा पढ़ा है। ये नहीं है कि लोग बहुत सारे हमें भी कहते हैं यार फलाम मौलवी तो इस तरह से बात नहीं करते। मैंने कहा फलाम मौलवी नहीं करते तो उसकी ज़िम्मेदारी उस पर है, उस मौलवी का जवाब उससे सुनो, मुझसे पूछना है तो मेरा पूछो कि भाई मैं अगर ये बात करता हूँ तो साहिब मैं क्यों करता हूँ, ये पूछो। मेरी आखिर क्या मजबूरी है? मेरी कोई मजबूरी नहीं, मेरी एक ही मजबूरी है कि हमने रसूलुल्लाह का जो कलमा पढ़ा है उस कलमे का हक अदा करना है। कुरान अजीम शान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरने का हक अदा करो, अल्लाह से डरने का हक अदा करो, वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान की मौत मरो। ईमान पर अल्लाह ताला मौत दे, इस्लाम पर मौत दे, ये अल्लाह से तलब करना चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम के दो सहाबा थे, तीन, वो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला के दरवाज़े पर आए,
और दस्तक दी। नबी अलैहिस्सलाम का पूछा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मिले वहाँ पर, घर में नहीं थे हुजूर। तो बिलाखर हुआ ये कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से, हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि बताएं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में मामूल क्या है। तो हज़रत बीबी आयशा ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर रात को सोते भी हैं, फिर उठ के आधी रात इबादत करते हैं, और फिर रोज़े भी रखते हैं कभी, और कभी रोज़ा छोड़ भी देते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सारे मामूलात बताए कि हुजूर इस टाइम पे घर में ये काम करते हैं, इस टाइम पे फलां मेहमान को टाइम देते हैं, जो मामूलात आयशा रज़ी अल्लाह तआला को मालूम थे वो बता दिए। तो वो तीनों शख्सों ने कहा, एक बोला कि मैं कभी भी रात को नहीं सोऊंगा, अल्लाह के नबी इबादत करते हैं, मैं पूरी रात इबादत करूँगा। अच्छा, दूसरे ने कहा कि मैं हर रोज़ रोज़ा रखूँगा। तीसरे ने कहा मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं दो कट ऑफ हो गए, बस इबादत में वक़्त गुजारूंगा। अब तीन लोग, तीन मौक़फ आ गए। बीबी आयशा ने नबी अलैहिस्सलाम को बताया, या रसूलल्लाह फ़लाँ शख्स आए थे सहाबा में से, उन्होंने ये सवाल किया, तो मैंने उनके आपके मामलात बताए, तो वो बड़े जज्बे में आ गए कि हमारे नबी भी रात को जागते हैं, रोज़े भी रखते हैं। तो मैंने जब ये मामलात बताए तो वो जज्बे में आए, तो उन्होंने ये बात कही। एक ने कहा मैं कभी रात को सोऊँगा नहीं, इबादत में वक़्त गुजारूंगा, और दूसरे ने कहा मैं रोज़ाना सुबह रोज़ा रखूंगा, तीसरे ने कहा मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मन रागिबान सुन्नती फलैस मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो फरमाया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फलैस मिन्नी, उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फरमाया मैं रात को सोता भी हूँ, फरमाया जिस्म का भी हक है। फिर उन तीन साहबा को बुलाया, फरमाया देखो तुमने कहा मैं रात को नहीं सोऊंगा, दूसरे ने कहा मैं रोज़ा रखूंगा हमेशा, तीसरे ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। फरमाया देखो मैं शादियां भी करता हूं, रात को मैं आराम भी करता हूं, रात का एक वक्त इबादत में भी गुजारता हूं, दिन को कभी रोज़ा भी रखता हूँ, कभी छोड़ भी देता हूँ, मैं मेहमानों के साथ भी बैठता हूँ, मैं हकूकुल इबाद का भी ख्याल करता हूँ। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया मेरी सुन्नत ये नहीं है कि तुम दुनिया को छोड़ दो बिल्कुल, और बिल्कुल अल्लाह से लगा लो, बल्कि तुम अल्लाह की इबादत के साथ साथ अल्लाह के बंदों का हबी हक पूरा करो, ये मेरी सुन्नत है। देखिए ये दीन आपसे ये कह रहा है, ये सरकार की सुन्नत है, हमारे आका की जिंदगी ये है, अपनी जिंदगी में बैलेंस पैदा करो। लेकिन ये बात मैं उसके लिए कहता हूं कि जो दीन पर अमल करता है, ये हदीस, ये वाली हदीस दीन पर अमल करने वालों के लिए है, क्योंकि दीन पर अमल करने वालों के बारे में बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि यार ये हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं करते, ये दीन पर अमल। लेकिन जो दीन पर अमल नहीं कर रहे उनके लिए बात नहीं है कि इबादत मुख्तसर करो, उनको मैं कहता हूँ खूब इबादत करो, क्योंकि जब हम कहेंगे ना खूब इबादत करो फिर जाके कोई पाँच वक्त का नमाजी बनेगा, जब हम कहेंगे ना खूब कुरान पढ़ो फिर जाके शायद कभी कभी कुरान खुलने की तौफीक मिल जाए, जब मैं कहूँगा भाई दाढ़ी अपने चेहरे पर सजाओ फिर जाके शायद वो दाढ़ी रख ले, फिर जाके कोई शायद अपने सर को ढांक ले। जब हम ये बातें कहेंगे कि भाई दीन तो इत्तेदाल सिखाता है, लोग कहने यार दीन से लगता बड़ी आसानी है, बस ठीक है कभी नमाज पढ़ लो, आठ दिन के बाद जुमा पढ़ लो और कभी छोड़ दो। यहाँ भी आप लोग कितने नमाजी बैठे हैं, लेकिन पाँच वक्त की नमाज में, या चले जोहर का टाइम है ना, ये जोहर के वक्त में इतने लोग नहीं होते, क्यों नहीं होते भाई? आप लोग सब मौजूद होते हो, अपने घरों में होते हो लेकिन मस्जिद नहीं आते, आप लोग घर में होते हो लेकिन दुनियादारी में पड़े हो, कोई टीवी में लगा है, कोई मोबाइल में लगा हुआ है। आजकल के नौजवान हमारे रात को दो दो तीन तीन बजे सोते हैं, इन्होंने कब सुबह नमाज पढ़नी भाई? जो रातों को सोया हुआ है मोबाइल पर जनाब पबजी खेलते खेलते सो गए, उसने सुबह उठ के नमाज पढ़नी? उसे तो उठा नहीं जाना, उन्हें कहना आराम ना उठाएंगे 11-12 बजे। तो जिस नौजवान की हालत ये है तो उसको हम बताएंगे भाई दीन इत्तेदाल बताता है, उसको तो ये कहेंगे सुबह उठ पाई नमाज पढ़, नमाज फर्ज है। तो मेरे आका ने फरमाया फर्ज, फर्ज की अदायगी जिसने नहीं की कयामत वाले दिन उसकी अदायगी ये पूरी की जाएगी उसके और अमाल डाल के, दूसरे अमाल। लेकिन जिस बंदे ने फर्ज ही नहीं पढ़े तो उसने नफल क्या पढ़ना है भाई?
जो फ़र्ज पड़ेगा तो नफल तो उसका कबूल है, फ़र्ज फ़र्ज़ की अदायगी पहले, ये है इतदाल का नाम। ये ख़ास रातों में जाग लेते हैं, ठीक है, मैं मना नहीं करता, मैं खुद इस चीज़ का कायल हूँ, चल यार कोई नहीं कर रहा, कभी कभी कर रहा तो ये भी चल करना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन कभी कभी जो आप अगर कोई जुमा पढ़ लिया, कभी ईद की नमाज़ पढ़ ली, या कभी और ख़ास रातों में जाग लिया, तो यार ये मकसद नहीं है। दीन का पहला मकसद आपकी ज़िंदगी में फ़र्ज़ नाफज करना, अल्लाह ताला ने जो आप चीज़ें फ़र्ज़ की हैं उसको अपनी ज़िंदगी में नाफज करें, उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आए, क्योंकि अल्लाह ने आपसे इस चीज़ का पहले पूछना है। सवाल क़यामत वाले दिन सबसे पहला फ़र्ज़ का होगा, फ़र्ज़ का सवाल होगा, अगर आपने फ़र्ज़ अदा नहीं की तो क़यामत वाले दिन इसकी बड़ी सख्त पकड़ होगी, पूछगछ होगी इस पर, बल्कि सज़ा है, और बल्कि शायद इसकी वजह से, इस फ़र्ज़ को ना पूरे करने की वजह से अजाब भी हो। तो आप हमें चाहिए कि इतदाल इस चीज़ का नाम है कि जो बंदे दीन पर नहीं चल रहे वो दीन पर चलें, और जो दीन पर चल रहे हैं वो दीन पर चलते हैं के साथ साथ बंदों के हकूक़ का भी ख्याल करें, ये है इतदाल। दीन और दुनिया के हकूक़ जो अल्लाह रसूल ने लगाए, एक अल्लाह का हक है, अल्लाह के नबी का हक है, इन हकूक़ के साथ साथ जो बंदों के हक आप पर लगे हैं इसको अदाया करना के करने का नाम इतदाल पर चलना है। खाली इतदाल ये नहीं कि बस तस्वीर लेके बैठ जाओ मस्जिद में, तस्वीर घुमाए जाओ, लोगों से धोखा भी करो, फ्रॉड भी कर रहे हो, और लोगों के हक भी खा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। और एक वो शख्स है कि जो मामलात में अच्छा है, लोगों के हक पूरे अदा कर रहा है, लेकिन अल्लाह के हक पूरा नहीं कर रहा, ये भी बात गलत है। दोनों का हक अदा करना है, अल्लाह ने दोनों का पूछना है, आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो अल्लाह के बंदे हैं कि नहीं है भाई, और नबी का हक तो हम पर सबसे ज़्यादा है। कुरान कहता है नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम महातुहुम, अल्लाह ने फरमाया तुम पर तुम्हारी जानों से बढ़कर मेरे नबी का हक है, हम पर अपनी जान का अपने जिस्म का इतना हक नहीं है जितना हम पर हमारे नबी का हक है। तो अल्लाह ने क़यामत को उनका भी पूछना है, क्या उनको राज़ी किया था, क्या उनको खुश किया था, क्या उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी कि नहीं गुजारी, या अपनी मर्जियाँ करते रहे। अगर आपने अपनी मर्जियाँ की तो फिर वहाँ पर अगले जहान में अल्लाह की मर्ज़ी चलेगी, और अगर यहाँ पर रब की मर्ज़ी आपने जिस्म अपने जिस्म पर अपनी ख्वाहिशात पर नाफिस कर ली अल्लाह की मर्ज़ी, तो फिर वहाँ तुम्हारी मर्ज़ी का फ़ैसला होगा। अगर यहाँ पर अल्लाह ताला की मर्ज़ी नाफिस कर लो अपने ऊपर, तो क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह ताला आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला होगा। लेकिन कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में दीन को लेके आए। इतदाल दीन का हमें यही सिखाता है कि तुमने अल्लाह का भी हक पूरा करना है, नबी का भी पूरा करना है, और दुनिया में तुम्हारे साथ जो तुम्हारे दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, वालिदैन हैं, भाई हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, इनके भी हक का ख्याल करना, ये है इतदाल पर चलना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, अल्लाह हमें।